तो आज मैं आपको ले चलती हूँ चौकी हवेली। चौकी हवेली नोएडा के सेक्टर 33 नोएडा हार्ट में स्थित है एंड द प्लेस विल लीव यू मेस्मराइज्ड विद इट्स गॉर्जियस राजस्थानी डेकोर। तो ये बहुत सुंदर जगह है, मुझे बहुत पसंद आई और ये एक तरह से एंटरटेनमेंट और कल्चरल विलेज है। यहाँ एक विलेज का एक्सपीरियंस मिलता है। अगर आपको इस तरह का कल्चरल और एंटरटेनमेंट विलेज देखने की इच्छा है तो यहाँ जरूर विजिट कीजिए। एक ग्रैंड एंट्रेंस आपका वेट करती है और एक ग्रैंड वेलकम होता है यहाँ जब आप आते हैं। आपका टीका लगाकर और ढोल बजाकर स्वागत किया जाता है और अपने आप को हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। सारी फन फील्ड एक्टिविटीज़ हैं जैसे पॉटरी, लाइव परफॉर्मेंसेस मोस्टली शाम को होती हैं। यहाँ लाइटनिंग बहुत अच्छी होती है शाम को, कैमल राइड्स होती है, कभी कई बार बच्चों को अच्छा लगता है ये सब करने का, और पपेट शोज़ भी होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो फन फील्ड एक्टिविटीज़ हैं और परिवार के साथ आकर आपको लेकिन डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग मिलेगी। एंड द विलेज इज डिजाइन टू शोकेस द ट्रेडिशनल एंड कल्चरल हेरिटेज ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एक जो कल्चरल हेरिटेज है बहुत कलरफुल है और ट्रेडिशनल है, तो आप उसमें ऐसा लगता है कि आप सीधा वहीं पहुंच गए हैं। वहां किस तरह से वेडिंग्स होती हैं, कैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं और इवन डेली लाइफ कैसे होती है, उसका भी आप एक तरह से यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मिल सकता है। और यहाँ पर अगर आप खाना खाने बैठते हैं तो यहाँ राजस्थानी थाली, डिलीशियस थाली मिलती है और थाली में मिलता है आपको दाल बाटी चूरमा, कट्टे की सब्जी, कढ़ी और बहुत टेस्टी जलेबी जो मेरी फेवरेट है। तो आप अपना मील जो है वो एंजॉय कर सकते हैं, या तो आप नीचे बैठ सकते हैं, ट्रेडिशनल राजस्थानी स्टाइल में आप नीचे बैठ कर खाना खा सकते हैं, या अगर आप नीचे नहीं बैठ पाएंगे तो जो सीटिंग है वो टेबल चेयर की सीटिंग भी अवेलेबल है। लेकिन जो थाली होती है आई थिंक वो सबको एक्सपीरियंस ज़रूर करनी चाहिए क्योंकि बहुत टेस्टी होती है वो थाली और वो अनलिमिटेड थाली, आप जितना चाहें खा सकते हैं। यहाँ पर और एक तरह की एक्टिविटी है जो मुझे मैंने पहली बार देखी, वो होती है एक ट्रेडिशनल फिश पेडिक्योर, जो फिश मसाज कहते हैं, फुट मसाज कहते हैं, जो फिश से की जाती है। छोटी छोटी फिश हैं पानी के टैंक्स में, उसमें पाँव डालकर बैठना होता है और वो फिश आपके पाँव का जो डेड स्किन है वो खाती रहती है, एक्सफोलिएट करती रहती है, तो आपके जो पाँव होते हैं वो बहुत मुलायम और साफ सुथरे दिखने लग जाते हैं उस पेडिक्योर के बाद, तो एक अच्छी सी फीलिंग देते हैं। तो लेकिन ये एक्टिविटी से पहले इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि ये जो फिश टैंक्स होते हैं दे कैन बी ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया, क्योंकि सब आकर उसी में अपना पाँव डालते हैं और वो कितना साफ होगा आई डाउट। वहाँ तक हम डिसेबल्ड एक्सेस की बात करें, मैनुअल व्हीलचेयर के साथ और विद हेल्प ये काफ़ी एक्सेसिबल है, नॉट 100% आई में से बट काफ़ी एक्सेसिबल है। लेकिन अगर कोई पावर व्हीलचेयर से आ रहा है वहाँ छोटे छोटे स्टेप्स होंगे या एक स्टेप होगा जो पावर व्हीलचेयर यूज करने वालों को दिक्कत दे सकता है। लेकिन अगर आप मैनुअल व्हीलचेयर के साथ आ रहे हैं वहाँ पर आप इजीली रोम अबाउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ कोई टैक्टाइल सर्फेसेस नहीं है, तो अगर कोई ब्लाइंड आता है और वहाँ पर अगर कोई केन या इवन क्रचेस के साथ भी वॉक कर रहे हैं शायद उन्हें दिक्कत हो सकती है, बट विद मैनुअल व्हीलचेयर मैं काफ़ी कंफर्टेबल थी क्योंकि मेरे साथ अटेंडेंट केयर भी थी, तो आई कुड गो अराउंड द होल स्पेस। सो अगर आपको लगता है कि आप यहाँ आना चाहते हैं तो आइए, लेकिन अगर गर्मी का समय है, गर्मी के मौसम में आना चाहते हैं तो आप शाम को आइए, लेकिन सर्दियों में आप दिन में, आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक विलेज एक्सपीरियंस मिलेगा कि बाहर चारपाई पड़ी है, एक तरह से चौपाल टाइप का बना हुआ है और एक खुलापन भी है प्लस एक ट्रेडिशनल फील भी आती है।